Assalamualaikum beautiful people, welcome back to another YouTube video. ओके जी, तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे. आज है जी एक नया दिन, नया व्लॉग. आज है 21st of November आई थिंक, और अभी भी मैंने सुबह सुबह उठी हूँ और उठते साथ ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया. नाउ इट्स 9:45 और अभी जो है ना मैंने मुँह हाथ धोना है, तो मैं चल के मुँह हाथ धोती हूँ और रेडी शेडी होती हूँ, फिर नाश्ते की तरफ जाते हैं. तो मैं आप लोगों को साथ साथ जो है ना आज का अपना डे दिखाती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. चलते हैं वीडियो की तरफ. लेकिन 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 अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कर दिया करें ना, और साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ सबसे पहले मिल जाए. ओके जी, अभी जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें जी. तो ये मैंने कपड़े निकाले हैं, मैं ये पहनने लगी हूँ, चेंज करती हूँ क्योंकि आज मैंने 2-3 जगहों पे जाना है. तो कपड़े चेंज करते हैं फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं. तो ये जो है ना मैंने लिया था जे डॉट से लास्ट ईयर, मेरे ख्याल से इनकी मिड सीजन सेल थी या पता नहीं क्या था, न्यू अराइवल से आया था विंटर आने से पहले, यही दिन थे तो तब मैंने ये ली थी. नहीं ये दिन नहीं था, आई थिंक सितंबर था. हाँ तो सितंबर था तब मैंने लिया था. स्टफ़ थोड़ा मोटा ही है, मतलब इतना वो नहीं है, लेकिन मैंने जैसे कि मैंने खद्दर वेयर की हुई है, मैंने साया से लिया था, खद्दर वेयर की हुई है. खद्दर में बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैंने थोड़ा नॉर्मल स्टफ पहन लिया जाए. तो अभी मैं ये चेंज करती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ. अच्छा जी, तो इधर ना भूख लगी थी, नीचे आया देखा आटा शाटा खत्म हुआ था, रोटी बनानी थी क्योंकि आज मैंने साग टेस्ट करना था. तो मैंने कहा चले पहले आटा गूंद लेते हैं, देन उसके बाद जो है रोटी बनाते हैं. तो इधर मैं आटा गूंद रही हूँ, आटा गूंद लूँ फिर उसके बाद मैं रोटी बना लेती हूँ, फिर रोटी छोटी खाते हैं और आप लोगों को साथ साथ दिखाते हैं. और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जो कल का साग आया उसका टेस्ट कैसा है. तो ये मैंने रोटी बना ली है और ये साथ है जी साग, तड़का शड़का लगा, मैं इसको टेस्ट करती हूँ. और ये है जी एक मेरी रोटी का नवाला और साग. फोकस नहीं हो रहा, हो गया. ओके यार, नॉर्मल है, नमक थोड़ा कम है, बाकी ठीक है. स्पाइसेस वगैरह मैं खाती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ, बहुत भूख लगी हुई है. तो हमने खाना वगैरह खा लिया, अब ये देखें आपके सामने रश लगा हुआ है, ये हमारी पैकिंग हो रही है. कुछ कपड़े वो पड़े हुए हैं, वो अहमद के भी धुलने हैं और प्रेस होने हैं. बाकी जी मैंने भी अपना बैग तैयार करना है, मैंने अहमद का भी कुछ रेडी किया है, अयान का है, ये मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, बाई पड़े हुए हैं, ये अभी हिस्ट्री होने हैं. हाँ जैसे जैसे हिस्ट्री होता है मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी जब पैकिंग करेंगे कंप्लीट हो जाएगी. तो बाकी अभी ये काम करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ. चुके हैं 3 और अभी 2:30 बजे अहमद आए हैं घर. अहमद ने छुट्टियाँ ले ली हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस अहमद. से हेलो टू माई व्लॉग. हेलो. और बाय बाय कर देना बाद में, ठीक है? क्या खा रहे हो? टेंडर पॉप्स. मैं खाने लगी हूँ जी ये बिरयानी. और अहमद ने हाल देखें क्या किया, अहमद ऐसे खाते हैं तोपा. अब मैं ये खाने लगी हूँ जो कल की बिरयानी थी बीबी की, और साथ पैटीज हैं और साथ वो कुछ टेंडर पॉप्स जो अहमद खा रहे हैं मेरे से छीन के जो मैंने खाने थे. अच्छा जी, तो इधर मुझे सडनली याद आया कि मेरे 3 सूट ऐसे हैं जिनके साथ मेरे दुपट्टे मैच करने हैं, तो वो दुपट्टे मैच करते हैं तो वैसे जो करने हैं वो करके तो फिर हम घर चलते हैं. और ये पर्पल इसके साथ करना, दरमियान भले के साथ करने चाहे. एक ही ग्रीन वाला कर दो, दिखाएं ये ज्यादा बड़ा दिखाएं छोटा साइज. इधर मैंने हिंजा के कुछ कपड़े ऐसे लेने थे जो मिड सीजन के हों, तो वो मैं लेने के लिए आई हूँ, वो लेने और कुछ चीजें जो मतलब ईद गिद किया वो लेके फिर घर चलते हैं हम. अच्छा जी, तो बाजार और आप कुछ खाओ ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ जी चना चाट, और बहुत टेस्टी है. और चची यहाँ पे खा रही है मिक्स फ्रूट चाट, आई थिंक मिक्स फ्रूट चाट ही है. ओके गाइस, हमारा एक और काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से. दी ये हमने कन्वर्ट करवाने थे, करवा लिए. ये है दिरम, ये दिरम्स है,
और ये रियाल हैं। चले जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये ले ये ले। और ये ले। और इधर जी मैं नान कबाब खाने लगी हूँ। यार ने मुझे खाने नहीं, मुझे ये तो अच्छी चीज खा रहे हैं। आपको चाहिए कि आप इस बच्चे को मना करें कि ये गंदी चीजें खाने से, और आप खुद उसके साथ खा रहे हैं। आप खा के देखो, बहुत मजा आ रहा है। मुझे तो नहीं मजा आता इन चीजों का, और उसको भी मना करना चाहिए। आपको पता है वो क्या खाता दिन में? गंद बला। इसलिए खा रहा हूँ, जल्दी खत्म हो और इसके पेट में कम जाए, मेरे में ज्यादा चला जाए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। यानी रोटी खाइए। यार आपने खाना खाया? क्या खाया था? हैं रोटी। अच्छा मेरी इधर जाना, मैं अभी जाके फिल्टर शीलर धोने लगी हूँ। कट्ठे में धोती हूँ सारे जो वो यूज़ कर लेती है उसके बाद, और मैं ये यूज़ करती हूँ लिक्विड, तो इसके साथ धोती हूँ, देन ब्रश वगैरह ऐड करती हूँ। अब मैं ये धो शो लूँ क्योंकि उसको रात को चाहिए होगा, तो धो धो के फ्री हो के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, तो मैं जब बाज़ार गई थी तो वहाँ पर एक शॉप थी, बहुत ही क्यूट सी शॉप थी, मैं उसकी वीडियो पिक्चर बनाना भूल गई। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब जाऊँगी मैं उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करूँगी। बहुत ही क्यूट सी शॉप थी, यानी वहाँ पे हेयर की बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्यूट क्यूट सी थी। तो मैंने कुछ परचेजिंग की है उनकी शॉप से, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसको अनपैक करती हूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत क्यूट चीज़ है जी। ये सारी चीज़ें हैं कुछ उल्टी पुलटी हुई हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये क्यूट सी दिखाऊंगी, रबर बैंड्स का बॉक्स है, ये बहुत क्यूट है, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। उसमें कलर्स भी इतना क्यूट, इतने क्यूट से हैं। ये नीचे है एक पोर्शन इनका, और ये है ऊपर एक पोर्शन इनका, ठीक है। ये इस तरह से है, और ये बहुत क्यूट पैकेजिंग में है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जो दिखने में बहुत क्यूट हो, चाहे उनका फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन दिखने में क्यूट होनी चाहिए। उसके बाद जो है मेरे पास है ये, पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये मेरे पास है कंगा, और ये बहुत क्यूट है, इसका प्रिंट स्टाइल बहुत ज़्यादा क्यूट है। मुझे ये चाहिए थे क्योंकि हमने उम्रे पे जाना था, तो मुझे मतलब चाहिए थी इस तरह की चीज़ें जो हम साथ लेके जा सकें। एक मैंने ये लिया है यूनिकॉर्न कलर के अंदर, बहुत क्यूट है ये भी, बहुत प्यारा है ये। और ये दो मैंने कंगे लिए हैं, दीज आर टू गुड, टू क्यूट, क्वालिटी भी अच्छी है, ये नहीं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्यूट है तो क्वालिटी भी अच्छी है इनकी। मेरे पास है ये एक अदद ब्रश, और ये मैंने स्पेशली लिया है अहमद के लिए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गिले होते हैं, कि मेरे लिए तुमने कोई नहीं छोड़ा होता, सब यूज़ किया होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे बाल टूटते हैं तो वो बीच में कहीं ना कहीं फिर भी कोई ना कोई फंस जाता है। और उसके बाद मैंने ये लिया है कुछ नेल्स, एक ये कलर है, एक ये कलर है, क्योंकि मुझे सिंपल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एलिगेंट लगते हैं काफ़ी सिंपल जो होता है, ठीक है। ये दो, और एक ये है जी थ्री, मैंने इसलिए लिया है कि मैं थोड़े शशके मार सकूँ, जैसे कि मैंने तो अपने नेल्स काट दिए हैं तो मैं थोड़े अपने शशके वशके मार सकूँ, ठीक है। और एक ये और एक ये, ठीक है। मेरा पर्सनल फेवरेट जो है ना वो ये है, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ठीक है, ये मैंने लिए हैं। देन उसके बाद जो है मैंने ये टू कैप्स लिए हैं हिंजा के लिए, एक ये पर्पल में है और एक ये पिंक में है। आजकल ये बहुत ज़्यादा चली हुई, आप लोगों ने देखी होंगी अक्सर बेबीज़ ने पहनी होती हैं, पिक्चर्स में बहुत क्यूट लग रहा होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी ट्राई करें। ये दो लिए हैं, और ये इतना सा सामान जो है ना मेरा क्यूटनेस की वजह से बहुत महंगा मुझे मिला है, और बहुत ज़्यादा मेरे अच्छे खासे पैसे खर्च हो गए हैं इसके ऊपर। सबसे क्यूट ये है, बहुत ज़्यादा क्यूट है जी। तो इधर बज गई हैं रात की 12:30, और अयान साहब देख रहे हैं ये उल्फुल उल्सी चीज़ है, यहाँ पे कोई आर्किटेक्चर बने हुए हैं, बनाते रहते हैं घर शहर चीज़ें इकट्ठी कर कर के। तो अभी मैं इधर ब्लॉग को ख़त्म करने लगी हूँ क्योंकि रात हो गई, अब हम सोने लगे हैं। इतनी चीज़ें मैं आज नहीं दिखा सकी क्योंकि दिन बहुत बिजी था, बहुत ज़्यादा बिजी था, तो हर चीज़ रिकॉर्ड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहा। तो फिर भी जितना मैं बना सकी मैंने आज का ब्लॉग बनाया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं और फौरन से जाकर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है जी। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, इंशाल्लाह 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 कल के ब्लॉग में। तो मिलते हैं जी कल, अल्लाह।